तो आज हम सभी यहाँ पर फीलिंग ग्रेट टॉपिक्स पर हम सुनने के लिए यहाँ ज्वाइन किए हैं। तो अभी देखो, आप सबके तो बहुत सारे सेशंस लिए हैं दीदियों ने, तो आप सबको तो इसमें बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिला ना, बहुत सारे एक्टिविटीज भी आप सबको कराए ना। तो अभी जो कुछ भी हमने सुना है ना, तो आज उन सारी चीजों को हमें फील करना, फील देखो हम जो चीज सुनते हैं या हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उनके लिए क्या फील करते हैं ना। एक बार क्या हुआ कि हम किसी एक प्रोग्राम में गए थे और उस प्रोग्राम में हमें एक छोटी सी बच्ची मिली, तो हमने उस बच्ची से पूछा आप कैसे हैं, तो उसने जो है जवाब दिया, उसको सुन करके हमारे मन में थोड़ा सा विचार चलने लगा, कितनी छोटी सी बच्ची है और ऐसा आंसर दे रहे हैं। जैसे अभी हमने आप सबसे नॉर्मली पूछा कि आप सब कैसे हैं, तो आप सब ने क्या जवाब दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कहा। हाँ, तो देखो अभी हम जो है फील करते हैं, तो उस बच्ची ने जो लाइन मुझे कहा, उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ ना, तो उसका जो बहुत था ना वो बहुत एक्साइटमेंट वाला था, कोई साधारण सा नहीं था। एक नॉर्मली हम कहते बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन उसके जो बोलने में जो एक्साइटमेंट था, जो उमंग था, उत्साह था, उस लाइन को सुनते ही, उसको देख करके ही इतना मुझे अंदर बहुत खुशी होने लगी। तो ऐसे ही जब आप सबको भी जब मैंने देखा ना, तो फिर मुझे भी आप सबको देख करके बहुत अच्छा लगा, एक खुशी फील हुई मुझे। आज देखो हम लाइफ में जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो बहुत सारे सिचुएशंस हमारे सामने आने लगता है और हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है लाइफ में हम फील करते जाते हैं ना। तो हम फील जो करते हैं, महसूस, तो अभी जो है हम इस समय, इस जब से आप सब इस ग्रुप से जुड़े हैं, प्रेरणा स्टार्स को आप सुन रहे हैं, तब से आप सबको क्या फील हो रहा है, आप सब क्या महसूस करते हैं इस विषय में? अच्छा, और बताओ, अपना माइक ऑन करके बोलो दीदी हमें। अच्छा, फीलिंग गुड। अच्छा, फीलिंग गुड, वाओ कितना बढ़िया है। और क्या फील करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इससे ज्वाइन करके। अच्छा, तो हमने अपने आप में कितना चेंजेस लाया, आप सबको लगता है कि हाँ मेरे में थोड़ा चेंज आया है? हाँ दीदी, आया है चेंज आया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर हमने चेंज, हम चेंज लेकर के आए ना। तो व्हाट इज फीलिंग मतलब, तो फीलिंग्स को आप क्या समझते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। इमोशंस। हाँ, और फीलिंग्स मतलब क्या होता है, फीलिंग्स किसे कहेंगे ना? फील करना। अच्छा, और अच्छा, फील करना है ना, तो फील, हाँ ना, तो फील जो है दो प्रकार के होते हैं। फील मतलब महसूस करना ना। हम किसी से जब, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, तो उनके लिए जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम फील कर रहे हैं ना, वो कैसा है, गुड फीलिंग है ना, और एक होता है बैड फीलिंग। तो अब जो हम फील करते हैं, एक गुड और एक बैड, तो अब आप बताओ कि गुड फील हम कब करते हैं और बैड फील हम कब करते हैं? जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो। हाँ, जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब हम गुड फील करते हैं, और बैड फील कब करते हैं? जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अच्छा, जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं तब हम बैड फील करते हैं
है ना। तो अभी हम देखें कि जैसे सारे दिन में आज सुबह से लेकर के आप सब स्कूल गए होंगे, तो सुबह से लेकर के अभी तक आपने कौन सी चीज ज्यादा फील किया, बैड फील किया कि गुड फील किया? गुड फील किया। अच्छा, बैड फील किसी ने भी नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया बैड फील? सबके साथ बहुत अच्छा अच्छा दिन गया आज सबका ना? दीदी थोड़ा बहुत बैड फील, अच्छा थोड़ा बहुत गया। तो देखो अभी इसी चीज को आज हम यहाँ पे सुनने के लिए बैठे हैं कि हमारा जो है, हम सारे दिन में कैसे हम ज्यादा गुड फील कर सकते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को हमें ग्रेट बनाना है। तो आप सब कौन है? एंजल है ना। तो अभी कौन कौन कहते कि हम एंजल हैं? थोड़ा अपना वीडियो ऑन करके दिखाओ, कौन कौन कहते कि हम एंजल हैं? अरे वाह, यहाँ तो सब एंजल बैठे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये तो एकदम एंजल की सभा हो गई ना, ना देखो ये तो एंजल की सभा हो गई। तो अभी हम सब जो है, आप सब एंजल, तो एंजल की निशानी क्या होगी? एंजल की निशानी क्या होगी? एंजल की निशानी होगी, फर्स्ट होगा एक तो उनमें स्माइल होगा ना, स्माइल होगा, जैसे दीक्षा के चेहरे पे स्माइल है ना, ना दीक्षा के चेहरे पे स्माइल है। दूसरी होगी ग्रेट फील ना, हम फील ग्रेट फील करेंगे। तो ये दो चीजें, तो ये दोनों ही चीजें हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमारे चेहरे पे स्माइल और दूसरा हम ग्रेट फील करें। तो जब हम खुद ग्रेट फील करेंगे तब हम दूसरों को भी ग्रेट फील करा सकते हैं। जब हम खुद ही ग्रेट फील नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे ग्रेट फील कराएंगे ना। तो दूसरों को भी हमें ग्रेट फील कराना है ना, तो खुद भी हमें पहले करना होगा। तो इसके लिए होता है हमारे साथ कि सारे दिन में हम जो है ग्रेट फील तो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो कारण है इसका कि मूड स्विंग। मूड स्विंग के अंदर एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं मूड स्विंग का, पहले आप इसको बहुत ध्यान से देखना, देखने के बाद आप मुझे बताना कि आपने इसमें से क्या समझा। सभी इस वीडियो को देखेंगे हम, बहुत ध्यान से देखना हाँ, फिर बताना किस वीडियो को देख करके आप सबने क्या फील किया, क्या आपको समझ में आया? दीदी ये जो काट है वो स्वीट एंड बैड फील कर रहा है। अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा, किसने जवाब दिया ये? अच्छा ना, हाँ और दीदी ये जो काटा है वो हाँ? अचानक से बैड फीलिंग्स में चला गया और हाँ? अचानक से गुड फीलिंग। हाँ और दीक्षा ने क्या समझा? मतलब हमारा जो मूड है वो स्विंग होते रहता है, कभी गुड फीलिंग कभी बैड। हाँ है ना, तो ये हमारे मूड को वो दर्शा रहा है कि एक जब वो ग्रीन पर था तो हम कितना स्माइल फेस था वो ना, कितना स्माइल फेस था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं सारे दिन में, वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उसकी फीलिंग्स में चेंज होने लगा। अभी देखना फीलिंग्स चेंज होते जाएगा तो उसके चेहरे का जो खुशी है वो भी गायब होने लगता है फीलिंग्स के साथ ना। अभी देखना बिल्कुल ही डाउन हो गया, बिल्कुल ही डाउन, तो फिर अभी देखो उनके आंख कान नाक से कैसे धुआं निकल रहा है ना। तो ये चीजें, तो हमारा भी मूड क्या होता है कि सारे दिन में हमारी मन की जो स्थिति है वो ऊपर नीचे होता है। अब ऊपर नीचे होता है तो सारे दिन फिर हम ग्रेट फील कैसे करें ना, ग्रेट फील हम कैसे करेंगे सारे दिन में? तो अब जो आता है कि कॉज ऑफ मूड स्विंग, मतलब इसका कारण क्या है, मूड ऑफ होने का कारण क्या है? तो मूड ऑफ होने का कारण ये है कि डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब होता है कि हम किसी ना किसी चीज से आधारित हैं ना। हमारा जैसे हम अच्छा फील करने का क्या आधार है, बुरा फील करने का क्या आधार है? तो इसका जो आधार है वो फर्स्ट आता है एक तो मोबाइल, दूसरा आता है सिचुएशन, और तीसरा आता है कमेंट्स
ना। तो मोबाइल आज देखो सारे दिन में ना हम सब में सबसे ज्यादा मोबाइल कौन कौन यूज करते हैं, आप सब में कौन कौन ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं ना, कौन कौन है जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं? हाथ रेस करो। अच्छा आरती, और कौन ज्यादा यूज करते मोबाइल? दीदी अभी पेपर। अच्छा अभी एग्जाम है। हाँ ओके एग्जाम है तो इसीलिए नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर एग्जाम नहीं देखते। अच्छा है ना। तो अभी आप देखो जब हम मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल यूज करते जितना आप ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे उतना ही उसका असर हमारे ब्रेन पर भी होगा, हमारे कंसंट्रेशन लेवल पर भी होगा ना, और हमारे अंदर उससे स्ट्रेस भी आएगा ना, हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट तो है ना। आप देखो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने के बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठना, आपका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर अभी वो जो चीजें चल रही थी उसको हमने इतना सुना कि वो हमारे अंदर बिल्कुल फिट हो गया है, तब हमारे मन में आता है कि नहीं हम थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर ले ना। अब जब सबसे ज्यादा हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तब हमको कोई आवाज देते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें कुछ बोला तो हम उनकी बातों को सुनते हैं ना, हम बहुत ज्यादा डीप यूज कर रहे हैं अभी मोबाइल और पीछे से वो हमें कुछ बोल रहे हैं तब हम उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं उनकी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान है वो किस पर है? मोबाइल पर है, तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते और वो बार बार बोलते तो फिर हमारे साथ क्या होता है, हम वहां पे क्या करते हैं थोड़ा स्ट्रेस। तो जब हम मोबाइल बहुत डीप यूज कर रहे होते हैं तब हमको कोई कुछ बोलते हैं तो हम नहीं सुनते हैं उन बातों को, तो फिर यहाँ पर क्या होता है हम थोड़ा सा स्ट्रेस फील करने लगते हैं और थोड़ा इरिटेट होकर के हम जवाब देते हैं। तो जब हम इरिटेट हो जाते हैं तब तो हम कोई ग्रेट फील नहीं कर रहे हैं ना, तो मोबाइल से क्या होता है हम ग्रेट फील नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे अंदर हमारे फीलिंग्स में चेंज आ जाता है। दूसरा होता है सिचुएशन ना, दूसरा कारण है सिचुएशन हमारे मूड ऑफ होने का। तो सिचुएशन अकॉर्डिंग मतलब किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया तो हमने अच्छा फील किया, किसी ने बुरा व्यवहार किया तो हमने बुरा फील किया, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तीसरा आता है कमेंट्स ना, कोई हमारे लिए कुछ बोलते हैं या हमें कुछ गलत बोल दिए हमारे लिए, या कोई हमारे लिए कोई ऐसा कमेंट पास करते हैं कि अरे तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम तो ऐसे हो, तुमसे नहीं होगा, तब हम क्या करते हैं हम ग्रेट फील करते हैं ना, हम ग्रेट फील नहीं करते उस समय हम। हाँ उस समय हम क्या करते हैं हमारी जो फीलिंग्स है वो इमोशनली वीक हो जाती है, क्योंकि लोगों पर आधारित हो गया ना हमारा, हमारा जो फीलिंग्स है वो लोगों पर आधारित हो गया। अभी देखो जैसे हमारे पास रिमोट रहेगा तो हम टीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी फीलिंग्स की जो रिमोट है वो किसी और के हाथ पे दे दिया, उन्होंने ऑन किया तो हम खुश हो गए, उन्होंने ऑफ किया तो हमारा मूड भी ऑफ हो गया। तो हमारी ये डिपेंडेंसी जो है इन तीनों चीजों के कारण ही हम ग्रेट फील नहीं कर पाते और हमारा मूड ऊपर नीचे होने लगता है ना। तो अभी हमें क्या करना है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को हम चेंज करना पड़ेगा ना। अभी थॉट्स को हमें चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, थॉट को चेंज करने के लिए हम ग्रेट फील भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे विचारों पर ही तो आधारित है ना हमारी फीलिंग्स ना, फीलिंग्स हमारे विचारों पर आधारित है, और अपने आप को हमें ग्रेट फील करना है, दूसरों को भी ग्रेट फील कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें अपने विचारों पे ध्यान देना होगा। तो एक बहुत सुंदर अभी हम एक्टिविटी करेंगे, तो उस एक्टिविटी के अंदर मैं आप सभी को वो एक देते जाऊंगी है ना। एक्टिविटी जो है मैं आप सभी को बताऊंगी वो, तो उसमें आपको वो देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप सभी ने पेन कॉपी अपने पास रखा है, पेन कॉपी है आपके पास? हाँ।
कौन कौन अपने पास पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं? नहीं, पेन कॉपी नहीं रखा है। हाँ ठीक है, चलो अभी क्या करना, मैं आप सबको बोलते जाऊंगी कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है ना, तो उसको आप बताना कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक, तो सबसे पहले हम पीस, पीस जो है वो निगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव थॉट्स है? दीदी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा ना। नेक्स्ट है, हाँ, ग्रेटिट्यूड्स हाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव है, वेरी गुड ना। है अच्छा, स्ट्रेस, दीदी स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव निगेटिव है ना। नेगेटिव फियर, नेगेटिव निगेटिव, नेगेटिव फियर निगेटिव है। नेगेटिव अच्छा, फेयर निगेटिव है। नेगेटिव कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन निगेटिव है कि पॉजिटिव है? अच्छा, निगेटिव नेगेटिव है। ओके, स्माइल, पॉजिटिव स्माइल पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है। अच्छा है ना, अभी हम देखते हैं स्ट्रेस ना। स्ट्रेस पॉजिटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव निगेटिव है। अच्छा, कोई एक नेगेटिव जना, हाँ, अभी कोई एक जना वो स्ट्रेस निगेटिव क्यों है ये बताओ, है ना? निधि, दीदी क्यों निधि तिवारी बताएंगी कि स्ट्रेस निगेटिव क्यों है। अच्छा, निधि नहीं बता रही है। आरती, आरती बताएंगे कि स्ट्रेस निगेटिव क्यों है? हाँ, वो निगेटिव क्यों है, स्ट्रेस निगेटिव क्यों है? क्योंकि जब दीदी हम मैं बताऊं स्ट्रेस, हाँ बताओ, पुलकित दीदी, ना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब हम बैड फील करते हैं। हाँ है ना, स्ट्रेस लेते हैं तो हम बैड फील करते हैं ना। देखो, जब हमारे मन में स्ट्रेस आने लगता है तो हम बैड फील करते हैं, क्योंकि इमोशनली हमारा जो है, इमोशंस है वो वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण हम उसमें स्ट्रेस लेते हैं, और उस स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब हैंडल नहीं कर पाते हैं तो जो हम पढ़ाई करते हैं वो भी कुछ भी हमें याद नहीं रहता है ना, और फिर हम कहते हैं मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत टेंशन होता है, कहते हैं छोटे से बच्चे भी यही कहते हैं, टेंशन होता है। आप सबको टेंशन होता है क्या, पढ़ाई का टेंशन होता है? किस किस को पढ़ाई का टेंशन होता है? अच्छा, आरती को टेंशन होता है, पुलकित को भी होता है, दीक्षा को भी होता है। मेरे को भी अच्छा चलो, फिर आज हम इस टेंशन को दूर भगाते हैं ना। तो टेंशन को दूर भगाने के लिए एक बहुत सुंदर थॉट्स है, उस थॉट को हमें यूज करना है ना, रोज सुबह उठते ही इस थॉट को मुझे यूज करना है, और वो थॉट्स रहेगा आई एम टेंशन फ्री ना। कौन सा थॉट रहेगा? आई एम फ्री, आई एम ना, टेंशन फ्री। हाँ। तो रोज सुबह उठते ही इस थॉट को मुझे अप्लाई करना है कि आई एम अ टेंशन फ्री, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं टेंशन फ्री हूं। जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, उसमें 1 सेकेंड अपने आप को साइलेंस करना, फिर इस लाइन को रिपीट करना, आई एम टेंशन फ्री, फिर 1 मिनट साइलेंस होना, उसके बाद आप पढ़ाई करना। आप देखना आपकी मन की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपना पढ़ाई कर पाएंगे, फिर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई थॉट मन में चल रहा होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये जो वो लाइन है, पॉजिटिव लाइन है। देखो, इसमें हमें ना शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ना शब्द नहीं लेता है ना। जैसे हमने कहा टेंशन फ्री ना, आई एम टेंशन फ्री का, अभी इसी के जगह पे हम कहें कि मुझे टेंशन नहीं लेना है ना, मुझे टेंशन नहीं लेना है, तो मुझे टेंशन नहीं लेना, नहीं शब्द को सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं लेता है। तो अभी हम बार बार क्या लाइन रिपीट करेंगे, आई एम मैं टेंशन टेंशन फ्री फ्री नहीं हूँ। हूं,
नहीं मैं टेंशन ले रही हूँ आएगा ना, उसमें जो नहीं शब्द है उसको हटा देता है, हटा दे तो क्या होगा? जैसे हमने कहा ना मुझे टेंशन नहीं लेना है ना, हमने कहा मुझे टेंशन नहीं लेना है, तो नहीं शब्द को हटा देते हैं, फिर उस सेंटेंस को आप बोलो, तो मुझे टेंशन लेना है आएगा, मुझे टेंशन लेना है ना। तो अब भी हम बार बार क्या कर रहे हैं, मुझे टेंशन लेना है, इसीलिए हमें ना शब्द को यूज नहीं करना है ना, ना शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि उस ना शब्द को हमारा जो सबकॉन्सियस माइंड है वो नहीं लेता है। तो इसीलिए हमें जब भी लाइन बोलना है पॉजिटिव थॉट के साथ ही बोलना है, इसीलिए कहा आई एम टेंशन फ्री। इसमें ना शब्द तो यूज नहीं हुआ, नॉट शब्द यूज किया क्या? नहीं किया ना। तो इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई में 100% देना है, और जब हमारा पढ़ाई में हम 100% देंगे और अपने आप को इस पॉजिटिव थॉट के साथ रख करके हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो फिर हम ग्रेट फील करेंगे, तब हम ग्रेट फील करेंगे। अभी हम नेक्स्ट सुनते हैं कंपटीशन, है ना। अभी कंपटीशन जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है दीदी? कौन कौन कहता है कि कंपटीशन निगेटिव है? अच्छा, दीक्षा कहती है, आयुष कहते हैं, और कौन कहता है? अच्छा चलो ना, अच्छा निगेटिव क्यों है ये, निगेटिव क्यों है कंपटीशन ना, कंपटीशन निगेटिव क्यों है? कोई भी एक बताओ, कोई भी एक बताओ कि वो निगेटिव क्यों है। आयुष बताएंगे, आयुष साहू भैया। अच्छा ना, देखो एक तरीके से हम देखें तो कंपटीशन जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, और एक तरीके से हम देखें तो वो हमारे लिए निगेटिव है। कैसे? निगेटिव तब है जब हम किसी के साथ हम कंपटीशन के भाव से देखते हैं उस चीज को, हम लेते हैं। तो कंपटीशन का जब भाव आता है तो हमारे मन में क्या होता है? जेलस फील होता है। तो जेलस फील होने के कारण क्या होता है, हमारे इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं और हम ग्रेट फील नहीं करते हैं। तो इसलिए वो कंपटीशन जो है वो हमारे लिए निगेटिव हो गया। अगर हम वहीं पर देखे अभी हम सब यहाँ पे ज्वाइन किए हैं ना, तो हम सब यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, हमारे अंदर उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है, हम उसे फील भी कर रहे हैं। तो अभी हम सब की बैटरी क्या हो गई, थोड़ी ऊपर हो गई ना, अभी हम सुन रहे हैं ना, तो हमारी बैटरी ऊपर हो गई। अभी ऊपर हो गई तो फिर अब मेरे मन में जो कॉम्पिटिशन का भाव था, एक जेलस फील था, वो हट गया। अभी मेरे मन में हर एक के लिए क्या हो गई, एक अच्छी फीलिंग्स मेरे अंदर आई ना। तो अभी मेरा जो कंपटीशन है वो किसी अन्य के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन ना, कोई भी चीज हम करते हैं तो कंपटीशन मेरा किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ है। क्योंकि सेल्फ सक्सेस मुझे चाहिए ना, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है ना। जैसे हमें कोई कहते कि इनसे तो हो ही नहीं सकता, जनरली ऐसा होता है ना, हम फ्रेंड सर्कल पे होते हैं तो कोई हमारे लिए कहते हैं अरे ये इससे तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसे कहते हैं। तब हम अपने अंदर क्या कर लेते हैं, बिल्कुल दृढ़ अपने आप में बिल्कुल हम पक्का कर लेते, नहीं मैं तो ये करके ही दिखाऊंगी। तो फिर फाइनली क्या होता है कि हम वो करके दिखाते हैं, तो जब करके दिखाते हैं तो फिर हमारा क्या होता है ना, हम आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन किसी को नीचे गिरा के आगे बढ़ने का भाव नहीं होता है, लेकिन खुद को आगे बढ़ाने की फीलिंग्स होती है ना। तो ये गुड फीलिंग के साथ हमने कंपटीशन किया, किसी को हराने के लिए या नीचे गिराने के भाव से मैंने कंपटीशन नहीं किया, मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन किया। तो मैं लाइफ में क्या फील करती हूँ, सक्सेस मुझे मिलता है। जैसे हम स्कूल में ना, हमारे क्लास में हमें बहुत अच्छे नंबर से, मुझे इस बार पास होना है कि भाई मेरा नंबर सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा ना, 100% मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। और जब मैं 100% अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी तो फिर क्या होगा, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ना। तो मैंने किसी के लिए मेरे मन में क्या जेलस फील नहीं आया, बल्कि खुद को एक था कि नहीं मैं इस बार करके दिखाऊं।
तो ये थी गुड फीलिंग के साथ हमने कंपटीशन किया, तो इसीलिए जो है कंपटीशन एक रीति से पॉजिटिव भी है और एक रीति से निगेटिव भी है, लेकिन हमें निगेटिव रीति से यूज नहीं करना, हमें पॉजिटिव रीति से यूज करना है कि कंपटीशन से ही हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, राइट? अभी सब ये पीछे से आवाज आ रहा है, आप सब अपना माइक बंद कर दो, है ना? हाँ, अभी हम आगे सुनते हैं। इसके बाद जो है आता है कि अब हमें अपनी जो थॉट्स है ना उसको हमें ब्यूटीफाई यूअर फीलिंग, ना ब्यूटीफाई यूअर फीलिंग्स मतलब अभी मुझे अपने विचारों को बहुत सुंदर बनाना है। तो विचारों को बहुत सुंदर बनाने के लिए क्या करना होगा? एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची थी ना, वो 8th क्लास की बच्ची थी वो, तो उनकी मदर हमसे मिली, एक प्रोग्राम में हम गए थे तो वहाँ वो उनकी माँ हमसे मिली, तो उन्होंने कहा कि एक हमने सेशन अटेंड किया था जिसका था पावर ऑफ फॉरगिवनेस ना, तो इस प्रोग्राम को जब उन्होंने अटेंड किया तो अपनी बच्ची की बहुत सुंदर उन्होंने विशेषता बताई, कहा कि मेरी जो बेटी है जब से उस सेशन को उसने अटेंड किया है तब से वो किसी भी बात को पकड़ करके नहीं रखती है, जैसे किसी ने कुछ भी बोला तो वो अपने मन पर उन बातों को नहीं लेती है, उन बातों को छोड़ देती है, कोई कुछ भी कहे किसी की भी बातों को फील नहीं करती है ना, बिल्कुल ग्रेट फीलिंग के साथ वो रहती है। तो इसी तो कहा कि तब से वो रोज रात को जो किसी से भी उसका कुछ भी हुआ या किसी ने उसको कुछ भी गलत कहा तो वो रोज रात को सबको माफ करके वो सोती है, तो कितनी अच्छी बात है। तो अपने विचारों को हमें क्या करना है? ब्यूटीफाई यूअर फीलिंग्स, मुझे अपनी फीलिंग को बहुत प्योर रखना है, एक शुभ भावना मुझे लेकर के आना है, और इस चीज को मुझे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? रीड बुक, ना बुक पढ़ने होंगे मुझे। और जब हम अच्छी बुक जो है, जब हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हमारे विचारों पर परिवर्तन आने लगता है, विचार चेंज होते हैं, थॉट्स चेंज होने लगते हैं हमारे, और विचार जब हमारे थॉट्स जो है वो चेंज होगा तो हम ग्रेट फील तो करेंगे ही ना, ग्रेट फील करेंगे ना। देखो हमारे मन में जैसे कई बार होता है ना कि कई छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बहुत सोच रहे होते हैं, पर हमारे बड़े या हमारे टीचर हमें उस विषय पे कुछ सुनाते हैं या हमें हमारी कुछ क्लासेस होती है तो कैसे हमारे मन में उसका एक इफेक्ट पड़ता है, हम कहते हैं नहीं उन्होंने जब ये लाइन का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि जो चीज हम सुनते हैं पढ़ते हैं वो हमें बहुत अच्छा फील कराता है, तो बुक जो है वो हमें बिल्कुल जो है जागृत अवस्था में लेकर के आता है, इसीलिए हमें अच्छी बुक जो है पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। इसमें है पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड, ये हमारी संस्था का बुक है और इसमें थॉट्स के ऊपर है कि हम कैसे अपने थॉट्स लेवल को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो जितना हम आध्यात्मिक ना, तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़ते जाते हैं उतना ही हमारे विचारों में परिवर्तन आता जाता है, और जब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है तो क्या होता है कि फ्रीडम फ्रॉम गैजेट्स ना, फ्रीडम फ्रॉम गैजेट्स मतलब कि हम जो है आज जितनी जैसे हम मोबाइल से अभी जुड़े हुए हैं तो ये सब क्या करता है, हमें ग्रेट फील करने नहीं देता है। तो अभी हमें स्वयं को इन सारी चीजों से, इस बंधन से मुझे मुक्त करना है ना। अब मोबाइल जब जितना हम ज्यादा यूज करते उतना ही हमारे अंदर क्या होने लगता है, उसका एक जैसे बंधन हम फील करते हैं। आज देखो कोरोना के टाइम से बच्चों का स्कूल तो बंद हो गया, सब कुछ बंद था, तो हमने पढ़ाई किससे करना शुरू कर दिया, मोबाइल से ऑनलाइन हमारी पढ़ाई होने लगी। अब ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी तो फिर आज कुछ भी होता है हम मोबाइल ही यूज करते हैं, बिना मोबाइल के हम कहते नहीं इसके बिना हमारी पढ़ाई नहीं होती है, तो एक हमारे लिए पर्सनली मोबाइल आ गया ना। अब हम हर चीज के लिए मोबाइल यूज करते, कोई चीज हमें ढूंढना है या किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या करते हैं, हम मोबाइल ही यूज करते हैं ना, मोबाइल ही यूज करते हैं, बिना मोबाइल के हम कहते हैं हमारा काम नहीं चल सकता ऐसे। तो फिर आज क्या होगा, हो गया कि हमारी फ्रीडम ना, हमारे विचारों में वो फ्रीडम नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं फील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हम उसके आधारित हो गए ना, वो हमारे लिए आधार बन गया, तो इसीलिए हमें उन जितने भी गैजेट्स हैं उन सारी एक मिनट दीदी, ये निधि बहन आप इमोजीज मत भेजिए, बहुत सारे इमोजीज भेज रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है ना, इमोजीज कोई मत भेजो अभी।
है ना, तो फिर हमें इन गैजेट्स से अपने आप को फ्री करना होगा, और फ्री करेंगे तभी हम फ्रीडम एक ग्रेट फील करने के लिए हमें अपने विचारों में भी स्वतंत्रता लेकर के आनी होगी। और जब हमारे विचारों में जितना पॉजिटिव, इसीलिए कहा ना कि जितना हम बुक रीड करेंगे उतना ही हमारे विचार प्योर होने लगेंगे ना। अब इसमें जो है आता है लेटर, लेटर टू गॉड, ठीक है। लेटर टू गॉड मतलब कि हमें रोज परमात्मा को एक लेटर हमें लिखना है ना, रोज लिखेंगे। कौन कौन कहते कि रोज हम परमात्मा को, खुदा दोस्त को एक लेटर लिखेंगे? अच्छा ना, मोस्टली सभी लिखेंगे ना। तो रोज रात को क्या करना, एक पत्र हमें गॉड के नाम लिखना है, ठीक है। अभी देखो किसी दिन आपके ज्यादा होमवर्क रहेंगे, आप थोड़ा सा थक भी जाएंगे ना, तो कहेंगे कि दीदी हम कैसे लिखें ऐसे। लेकिन नहीं, कुछ भी हो दो लाइन में ही लिखना, लेकिन वो लिखना जरूर है हमें। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सारे दिन की जो भी चीजें हमने किया वो परमात्मा के नाम से जब हम वो पत्र लिखते हैं, तो फिर हमारे मन में भी जो बातें होती है ना वो भी सब निकल जाता है, और वो सारी चीजें हम परमात्मा को दे दिए, परमात्मा को सुना दिए, गॉड को सुना दिए। तो फिर अब क्या होगा, हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो करके हम सोएंगे, तो जब सुबह उठेंगे तो भी हम बिल्कुल लाइट फील करेंगे, है ना, हम लाइट फील करेंगे। इसीलिए हमें रोज गॉड को पत्र लिखना है। तो पता परमात्मा क्या कहते हैं हमें, जब थक जाते हो, बिल्कुल आपके अंदर पावर नहीं आज पत्र लिखने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तब आप क्या करना, गुड नाइट, ये दो अक्षर लिख करके फिर सो जाना, परंतु लिखना जरूर है, है ना। कहते हैं कि एक सप्ताह तक हम बिल्कुल रेगुलर ये पत्र लिखेंगे ना। तो नेक्स्ट सेशन जब होगा ना अगले सैटरडे को, तब इसका जो है आप अपना वो गॉड को जब आपने पत्र लिखा तो आपको क्या अनुभव हुआ, आपने क्या फील किया? आप लाइट फील करते थे, कोई भी बातें आपको स्ट्रेस में लेकर के नहीं आती थी, क्या होता था वो आप उसमें सुनाइएगा ना। अभी इसके ऊपर जो है हम एक आगे सुनते हैं कि एक सुंदर सा हम एक्टिविटी अभी करेंगे अफर्मेशन के ऊपर ना। अफर्मेशन के ऊपर एक एक्टिविटी ये है कि मुझे रोज क्या करना है, एक हम इसमें अभी आप सबको 5 थॉट्स देंगे, उसके पहले मुझे क्या करना है, फीलिंग्स को तो ग्रेट बनाना ही है, अभी ग्रेट फील करेंगे तब दूसरे को भी ग्रेट फील कराएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे खुद के लिए ग्रेट फील करना है। तो खुद के लिए ग्रेट फील करने के लिए क्या करना होगा, हम सभी को ना अभी हम सभी तुरंत अपने दो दो क्वालिटी, आप सबके अंदर कौन सी वो दो अच्छी ऐसी क्वालिटी है उसको आप लिखो या सुनाओ, या आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके आप अपनी उस दो क्वालिटीज को अपने मन में देखो कि मेरे अंदर कौन सी ये दो अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, कौन कौन ने सोच लिया कि मेरे अंदर ये दो अच्छी क्वालिटी है? अच्छा बताओ, कीर्ति साहू बताएं कि आपने अपने अंदर कौन से दो क्वालिटीज को फील किया? दीक्षा? यस दीदी। हाँ बताओ, आपने कौन सी दो क्वालिटीज अपने अंदर फील किया? दीदी मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। हाँ। और मैं बहुत अच्छा ड्रॉ करती हूँ और बहुत अच्छा डांस करती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है ना। और आयुष साहू आप बताओ, तेजस, तेजस है इस पे, तेजस ने ज्वाइन किया? हाँ, तो तेजस के अंदर क्या दो विशेष क्वालिटीज है? हाँ देखो लिख करके भी भेज रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। और अच्छा है ना, अभी ये तो हुआ हमारा है ना, तो अभी मुझे अपने लिए भी इन दो क्वालिटीज जो अभी आपने मुझे बताया, इस दो क्वालिटीज को मुझे अपने लिए यूज करना है और मुझे अपने में बहुत ग्रेट फील करना है, राइट। अभी सेकंड मुझे क्या करना है, हम घर पे रहते हैं
ना, घर पे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन है या हमसे बड़े भाई बहन है, तो उनकी मुझे दो क्वालिटीज, उन सभी मेंबर्स की दो दो एक दो दो अच्छी क्वालिटीज मुझे लिखना है और उनको बताना है कि आप में ये अच्छी क्वालिटी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी फीलिंग भी उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी और उनकी फीलिंग भी आपके लिए ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के जब फील ग्रेट हो जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, पेरेंट्स और आपके बीच में एक अच्छी फीलिंग्स रहेगी, राइट। तो ये अभी हमें घर पे अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की वो दो अच्छी क्वालिटीज मुझे निकालनी है कि कौन से वो दो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो वो लिखना और उनको बताना कि आप में ये है। ऐसा कौन कौन कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के दो क्वालिटीज उनको बताएंगे। अच्छा बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो हुआ घर के लिए। अभी हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है ना, अब सारे दिन तो ये सा चलता रहता है हमारा, कभी लड़ाई भी हो जाती होगी आप सबकी दोस्तों के साथ, हो जाती है ना, हो जाती ना कभी कभी, हमारे मूड ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें अपने फ्रेंड्स की भी कोई दो क्वालिटीज, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनके अंदर देखना कि इनमें कौन सी दो अच्छी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को आप लिखना और उसको बताना जा करके कि देखो आप में ये अच्छी क्वालिटी है। तो फिर इससे क्या होगा, आपकी फ्रेंड के भी मन में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी और आपके मन में तो है ही उनके लिए अच्छी फीलिंग, तभी तो आपने उनके उस दो क्वालिटीज को देखा ना। तो फिर आप स्कूल में भी ग्रेट फील कर पाएंगे, घर पर भी ग्रेट फील कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, सारे दिन की दिनचर्या में हम ग्रेट फील करेंगे, राइट। हम सारे दिन की दिनचर्या में फिर ग्रेट फील करेंगे, तो फिर हमारा जो मूड है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल हरा भरा ना। वो हमने मूड स्विंग का वीडियो देखा था ना, उसमें तो वैसा हमारा सारे दिन में स्माइली फेस रहेगा, क्योंकि हम सब एंजल है ना, और एंजल के चेहरे पे स्माइली नहीं होगा तो अच्छा लगेगा क्या? एंजल बिना स्माइल के अच्छे लगेंगे? नहीं नहीं लगेंगे दीदी, ना। हाँ नहीं लगेंगे ना, इसीलिए, और आप सब तो एंजल है तो इसीलिए हमें मुस्कुराते रहना। अच्छा, अब अफर्मेशन के अंदर ये जो हमने पांच जो है आप सबके सामने ये थॉट हम बताएंगे, तो इस थॉट को आप क्या करना, रोज सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त जब हम बेड पे जाएंगे सोएंगे, तो उस समय इन पांच जो थॉट्स है उसको अपने अंदर रिवाइज करके फिर मुझे सोना है और परमात्मा को गुड नाइट करना है, राइट। फिर उसके बाद जब हम सुबह उठेंगे तो पहले परमात्मा को फर्स्ट गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग करने के बाद ये जो पांच थॉट्स हैं इसको वापस से मुझे रिपीट करना है, राइट। तो इसमें ये जो फर्स्ट थॉट है, आई एम अ यूनिक सोल ना, इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लो ना, आई एम अ यूनिक सोल। सेकेंड है आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। थर्ड है आई एम सक्सेसफुल सोल, थर्ड है आई एम सक्सेसफुल सोल। फोर्थ है आई एम द बेस्ट सोल, आई एम द बेस्ट सोल। और पांचवा है आई एम अ हेल्पफुल हेल्पफुल सोल, सबकी हेल्प करने वाले है ना आप सब, हाँ हेल्प हेल्प करने वाले है ना। तो हेल्पफुल के ऊपर एक बहुत सुंदर सी स्टोरी मुझे याद आती है जो कि बहुत अच्छा है ना। तो एक बार क्या हुआ कि इंद्रदेव जी के यहाँ सभा लगी हुई थी, और उस सभा में देवताएं भी पहुंचे थे और असुर भी पहुंचे थे। तो मीटिंग समाप्त तो होने के बाद इंद्रदेव जी ने कहा कि भाई कल भोजन है, आप सब भोजन पे आना है ऐसे। तो फिर कहा ठीक है, तो असुरों ने कहा हमें भी बुला लो, हमने क्या किया है। तो इंद्रदेव जी ने कहा ठीक है आप भी आ जाइए। तो दोनों पहुंचे, अब देवताएं भी असुर भी। तो इंद्रदेव जी ने वहां पे एक शर्त रखा कि भोजन तो आप सबको दिया जाएगा, लेकिन आपके दोनों हाथों में डंडे बांधे जाएंगे और फिर आपको भोजन परोसा जाएगा, उसके बाद आपको भोजन करना है कहा। तो उन्होंने कहा ये कैसा शर्त है कहा। तो
तो कहा नहीं ये तो करना पड़ेगा, तो कहा ठीक है। तो पहले असुर बैठे भोजन करने के लिए, उनके दोनों हाथों में डंडे बांध दिए गए, दोनों हाथों पे है ना, यहाँ यहाँ तक डंडे बांध दिए गए। अब डंडा बांधने के बाद क्या हुआ, उसके सामने भोजन रखा तो वो खाएंगे कैसे, क्योंकि मुड़ना तो पड़ेगा ना हाथ को मुंह तक ले जाने के लिए, तो वो तो मुड़ेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उठाते थे और ऊपर उछालते थे, तो इससे क्या हो गया, भोजन वेस्ट हो गया और उनका टाइम खत्म हो गया। फिर उसके बाद देवताओं को बिठाया, देवताओं को बिठाया तो उनके भी दोनों हाथों में डंडे बांधे गए, और डंडा बांधने के बाद उनके सामने भी भोजन परोसा गया, और देवताओं ने बहुत प्यार से समय पर उन्होंने भोजन कर लिया। तो कैसे कैसे किए होंगे देवताओं ने भोजन, उनके भी दोनों हाथों में शेयर करके खाए, मतलब खाना उठाए और अपने साइड वाले को खिलाए और उस और साइड वाला उनको खिलाए। अच्छा, वेरी गुड, पुलकित वर्मा है ना, क्लास फोर्थ से ना, बहुत अच्छा, राइट। ठीक है, तो देवता क्या होते हैं, उनके अंदर हेल्पिंग नेचर होता है, तो आप सब कौन है, हेल्प करने वाले हैं ना आप सब, इसीलिए हमें हर किसी की हेल्प करनी है। ये नहीं सोचना है वो मुझे करे तब मैं करूं, देखो हम किसी की हेल्प करते तो हमें क्या होता, हम ग्रेट फील करते ना, ना तो हमें सारा दिन ग्रेट फील करना है। तो इसके लिए आज जो कुछ भी हमने सुना उसको रिवाइज करना ना, उसको रिवाइज करना, और कभी भी हमें ये नहीं सो अपनी फीलिंग्स में हमें चेंजेस नहीं लाना है, राइट ना। तो अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे, राइट। तो अभी सभी बिल्कुल साइलेंस पे बैठेंगे और हम यहाँ से जो बोलते जाएंगे उसको बोलना नहीं, उसको बस आप फील करेंगे। मैं एक छोटा सा सितारा मस्तक के बीच चमकती हूँ, मैं सितारा बहुत सुंदर ग्रेट फील करने वाली, मेरे मन के विचार बहुत सुंदर बहुत पॉजिटिव है, मेरे मन के विचार अच्छे होने के कारण मैं एंजल के समान हूं, एंजल हूं जो हर किसी के लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं। कोई मेरे साथ अच्छा करे, कोई मेरे लिए अच्छा कहे या ना कहे, उन बातों का मुझे एंजल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी मन की फीलिंग हमेशा अपने लिए दूसरों के लिए प्योर रहता है। मेरे मन के विचार बहुत पॉजिटिव रहता है क्योंकि मैं यूनिक हूं, आई एम अ यूनिक सोल, आई एम द बेस्ट सोल, आई एम सक्सेसफुल सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड। इसलिए मुझे सारे दिन में बहुत सुंदर विचार करना है, हर किसी के लिए गुड फीलिंग रखना है, तो मेरा मैं अपने मन में अपने अंदर सारे दिन में ग्रेट फील करती हूँ।
पूछना।